गोवर्धन है ना। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि पूरी सृष्टि में भगवान की पूरी सृष्टि में ये जो भौतिक जगत है ये थोड़ा सा हिस्सा है, और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा क्या है, आध्यात्मिक जगत का है। ये भौतिक जगत जो है एक जेल खाने की तरह है, हम लोग एक जेल खाने के अंदर हैं और जेल खाने के बाहर आध्यात्मिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत के अंदर ही भौतिक जगत है, उसी प्रकार जैसे कि दिल्ली शहर के अंदर है जेल खाना। जेल खाने में बहुत कम लोग हैं और जेल खाने से बाहर बहुत बड़ी संख्या है, है? तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है यानी वैकुंठ जगत, तो वो श्रेष्ठ है, है पूरी भगवान की सृष्टि में, जिसमें आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत दोनों मिला है। तो उसमें से जो है जितना हिस्सा आध्यात्मिक जगत का है वो श्रेष्ठ है वैकुंठ जगत। फिर वैकुंठ जगत से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है मथुरा मंडल ना। तो मथुरा मंडल का मतलब है ब्रजमंडल 84 कोष का, उसको मथुरा मंडल भी बोलते हैं या ब्रजमंडल बोलते हैं 84 कोष। तो आध्यात्मिक जगत में भी सबसे उससे भी श्रेष्ठ, मतलब आध्यात्मिक जगत के अंदर ही जो मथुरा मंडल है या ब्रजमंडल है वो श्रेष्ठ है। फिर मथुरा मंडल में या ब्रजमंडल में जो 12 वन हैं है, तो उनमें वृंदावन श्रेष्ठ है, ठीक है। फिर वृंदावन में, वृंदावन में भी गोवर्धन श्रेष्ठ है। तो वृंदावन एक तो शहर है, वृंदावन शहर, और दूसरा वृंदावन है महावन, जो 12 महावन है। तो 12 महावन में जो वृंदावन है तो वो जो है काफ़ी विस्तृत है, तो उसमें गोवर्धन भी आ जाता है। तो गोवर्धन जो है उससे भी श्रेष्ठ, मतलब सबसे श्रेष्ठ गोवर्धन ही है, ठीक है ना। तो जहाँ पर भगवान रासलीला करते हैं, गोवर्धन में बहुत से भगवान के जो है चिन्ह हैं, उनकी लीलाओं के बहुत चिन्ह हैं, लेकिन हम लोग जो है चढ़ते नहीं गोवर्धन के ऊपर, क्योंकि भगवान चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण हैं। जब भक्त के रूप में आते हैं तो भक्त का जो है उनके अंदर पूरा भाव होता है, ऐसा भाव भी जो है जो कि किसी भक्त में ना हो, ऐसा भाव भगवान चैतन्य में है। तो उस भक्त के भाव में भगवान चैतन्य स्वयं जो है गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ना चाहते। तो गोवर्धन कुछ के ऊपर चढ़ने में कोई वैसे मनाही नहीं है, और पब्लिक चढ़ते भी हैं गोवर्धन के ऊपर, और भगवान की लीला के चिन्ह जो है देखते भी हैं। भगवान की बंसी के चिन्ह हैं, भगवान के चरणों के चिन्ह हैं, गऊओं के चरणों के चिन्ह हैं, तो चिन्ह भरे पड़े हैं गोवर्धन में। लेकिन भगवान चैतन्य चूँकि भक्त के भाव में है, तो वो जो है स्वयं कृष्ण होते हुए भी, मतलब उस भाव में, भक्त के भाव में वो गोवर्धन में नहीं चढ़ना चाहते। क्यों? गोवर्धन को उन्होंने अपने सिर के ऊपर धारण किया, तो जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर के ऊपर धारण किया छत्री की तरह, तो हम कैसे उसके ऊपर चढ़ सकते हैं। तो इसलिए भगवान चैतन्य जो है गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़े, है ना। बल्कि गोवर्धन के ऊपर माधवेंद्रपुरी ने जो मंदिर बनवाया था, है ना, तो वो गोविंद जी जो कि बज्रनाभ के द्वारा स्थापित हुए थे, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए बज्रनाभ। तो बज्रनाभ ने भगवान श्री कृष्ण के बहुत से अर्चा विग्रहों की स्थापना की, उनमें से जो गोपाल अर्चा विग्रह उनकी स्थापना भी की थी गोवर्धन में। और गोवर्धन में जो है जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो पुजारी ने गोपाल जी के अर्चा विग्रह की रक्षा के लिए कि मुसलमान लोग खंडित ना करें, उनको एक झाड़ी में दबा दिया था। तो झाड़ी में दबे रहे और वो पुजारी भी, उनका भी शरीर छूट गया, कई सौ साल बीत गए, तो फिर जो है कोई मतलब ऐसा रहा ही नहीं जो कि उनका पता बताए कि वो कहाँ पर दबे पड़े गोपाल गोपाल, है ना। तो जब माधवेंद्रपुरी उस स्थान में आए तो गोपाल ने दर्शन दिया, सपने में दर्शन दिया और बताया कि मैं इस स्थान में दबा पड़ा हूँ, सपने में बताया। और माधवेंद्रपुरी सपने के जो है सूचना के अनुसार सब वहाँ के जो अशिक्षित लोग थे तो उनको जो है उन्होंने मतलब इकट्ठा किया और वहाँ रास्ता बनवाया, क्योंकि रास्ता
हाँ इस शरीर से नहीं जा सकते उस रास्ते उस झाड़ी में, क्योंकि बहुत कांटे सब कटीली झाड़ियाँ थी, तो सब काट काट करके और बताया माधवी इंद्र कि यहाँ पर गोपाल जी दबे हैं, तो गोपाल जी को निकाला और गोपाल जी की आज्ञा के अनुसार ही माधवी इंद्रपुरी ने गोवर्धन के ऊपर मंदिर बनवाया। तो गोपाल जी स्वयं कहा कि मुझे गोवर्धन के ऊपर जो है स्थापित करो, तो उस समय गोवर्धन के ऊपर माधवीपुरी ने ही गोपाल जी को स्थापित किया। अब आपका प्रश्न करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन के ऊपर चढ़ना नहीं चाहते और माधवीपुरी ने गोवर्धन के ऊपर ही गोपाल जी को स्थापित किया, तो यहाँ गोपाल जी की स्वयं आज्ञा थी कि मुझे गोवर्धन के ऊपर स्थापित करो। उस समय गोवर्धन के ऊपर स्थापित करने की आवश्यकता थी, क्यों? क्योंकि उस समय पूरा जंगल था, वृंदावन पूरा जंगल था और वहाँ जो है ना कोई घर मकान थे, ना कोई सड़कें थी, ना कोई मंदिर था, सब मतलब वीरान हो चुका था, है ना। तो अगर पर्वत के ऊपर मंदिर होगा तो दूर से दिखाई पड़ेगा मंदिर, और मंदिर की ध्वजा या कलश जो भी हो तो उसे दिखाई देगा। तो इसलिए मंदिर बनाने की विधि यही है कि जितना अधिक ऊंचा से ऊंचा आप बना सकते हो बनाओ, ताकि दूर से भी कोई व्यक्ति जो है देखे कि भाई इधर मंदिर है, उसी दिशा में आ सकता है, है? अगर बहुत पेड़ भी हो, घना जंगल भी हो, तो जितनी ऊंचाई पर होगा तो कोई व्यक्ति जो है आ सकता है, दूर से भी आ सकता है, दिखाई पड़ेगा कि भाई इधर मंदिर है, तो कहीं से भी वो घूम फिर करके पहुँच जाएगा। जिससे मंदिर तरीका यही होता है ना। तो माधवेंद्रपुरी ने जो है वहाँ मंदिर बनवाया। तो फिर मंदिर अगर छोटा भी मंदिर है, कि ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो ऊंचाई में है तो दिखाई देगा, छोटा मंदिर भी दिखाई पड़ेगा। तो गोवर्धन के ऊपर ही जो है गोपाल जी की स्थापना की थी, है ना। अब गोपर और भगवान चेतन अब जो है आए भक्त के भाव में, तो गोपाल जी का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन अब मंदिर में जो है कैसे जाएँ, तो गोवर्धन के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो गोवर्धन के ऊपर चढ़ना नहीं चाहते। तो भगवान चैतन्य का ये कहना था कि माधवेंद्रपुरी हमारे जो गुरु के गुरु हैं, वो तो उन्होंने मंदिर के ऊपर स्थापना की, तो भगवान की आज्ञा से स्थापना की और उनको अधिकार था, वो बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन मैं तो भक्त नहीं हूँ। ऐसा चैतन्य महाप्रभु की ऐसी विनम्रता है कि भक्त का जो है जितना अधिक जो है भाव होता है, उतना अधिक भक्त जो है अपने को जो है अयोग्य समझता है कि मैं भक्त नहीं हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु अपने को भक्त नहीं समझते, तो मैं कैसे माधवीपुर जो हमारे गुरु के गुरु हैं उन्होंने मंदिर बनवाया, है ना, तो उनमें कोई दोष नहीं, मतलब देखा कि माधवीपुर में कोई दोष, क्योंकि बहुत बड़े भक्त हैं इसलिए भी वो गोवर्धन के ऊपर चढ़ सकते हैं और भगवान गोपाल की भी आज्ञा थी इसलिए भी गोवर्धन के ऊपर उन्होंने मंदिर बनवाया। लेकिन अपने अंदर ही दोष देखते हैं चैतन्य महाप्रभु, यही भक्त का भाव होता है। तो वो जो है चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ना चाहते और चाहते हैं कि गोपाल जी के दर्शन, और गोपाल जी अपने भक्त के जो है भावना के बस में होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है गोपाल जी का दर्शन करूं, तो गोपाल जी खुद ही जो है अपना जो है वो करते हैं, भ्रांति फैला देते हैं अपनी माया से, तो लोगों को जो है खबर ऐसी फैल गई, जबकि सही खबर नहीं थी, लेकिन गलत खबर फैला दी गोपाल जी ने, फैला दी गोपाल जी के पास हजारों उपाय हैं, तो गलत खबर फैला दी कि मुसलमान लोग आ रहे हैं और मंदिर को ध्वस्त करेंगे, गोपाल जी की जी जो है खतरा है, उनको खंडित कर सकते हैं। तो गोपाल जी को जो है बड़ी जल्दी रातों रात ही जो है मतलब ले आए गाठुली ग्राम में, एक घर में गोपाल जी को जो है रखा। तो कुछ दिनों के लिए गोपाल जी को वहाँ गाठुली ग्राम में रखा, और चैतन्य महाप्रभु जब सुना कि गोपाल जी आ गए नीचे गोवर्धन के नीचे आ गए हैं गाठुली ग्राम में, तो फिर चैतन्य महाप्रभु उनका दर्शन करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ते, ठीक है ना। तो हम लोग परिक्रमा करते हैं, तो वो भी परिक्रमा इतनी दूर से करते हैं कि गोवर्धन की शिलाएं, एक परिक्रमा ऐसी भी है जो पास से जो है लोग करते हैं, गोवर्धन की शिलाएं, है ना, तो उनके ऊपर आपको पैर रखना पड़ेगा। तो परिक्रमा का फिर अर्थ क्या हुआ, अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं तो जो है आप इतनी दूर से करो कि गोवर्धन के ऊपर आपके जो है गोवर्धन के किसी भी हिस्से में आपके पैर न पड़े। तो हम लोग जो है परिक्रमा करते हैं थोड़ा, वो परिक्रमा जो थोड़ा दूर से है, कुछ हिस्सा परिक्रमा का ऐसा है जो पास से, हम लोग कल गए थे तो गलती से हम लोग चले गए, तो देख रहे हैं गोवर्धन की जो है बहुत से हिस्से जो है जो दबे हैं जमीन में। अब गोवर्धन जो है कि परिक्रमा पहले इतनी
छोटी नहीं थी जितनी इस समय छोटी है, क्योंकि गोवर्धन क्या हो रहे हैं, रोज एक तिल घटते जा रहे हैं, मतलब जमीन में नीचे जा रहे हैं। और जब जमीन में नीचे जा रहे हैं गोवर्धन, तो गोवर्धन का जो विस्तार है वो भी कम हो रहा है। तो गोवर्धन जितना भी हो, जैसे भी आकार हो, अगर नीचे धस रहे हैं तो जो नीचे का हिस्सा है वो भी नीचे जा रहा है, तो जो उनका जो विस्तार है गोवर्धन का जमीन में वो भी घटता जा रहा है। तो परिक्रमा जो है, पहले बहुत बड़ी थी, फिर और छोटी, फिर छोटी, तो छोटी छोटी होती जा रही। तो प्रहस्त जी ने जो है साप दिया था गोवर्धन को कि तुम एक दिन में रोज एक तिल घटते रहोगे। और एक तिल कितना होता है, एक तिल, तिल तो देखा सब लोगों ने, सरसों नहीं है, मतलब कई बार अंग्रेजी में मस्टर्ड सीड बोलते हैं, मस्टर्ड, तब सरसों, सरसों का जो आकार है वो तो 1 मिलीमीटर से ज़्यादा ही होता है, 2 मिलीमीटर समझ लो सरसों का जो है साइज। लेकिन एक जो तिल है, जैसे जैसे सीधे रखा हुआ है, तो ऊंचाई जो है उसकी 0.5 मिलीमीटर होती है। तो 0.5 मिलीमीटर समझ लो, 0.5 मिलीमीटर एक दिन में गोवर्धन जी घट रहे हैं, है ना। तो घट रहे हैं, है? 0.5 मिलीमीटर अगर मान लो, है ना, तो 1 मीटर में जो है 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 2000 तिल समझ लो, 1 मीटर में 2000 तिल, है ना। तो 2000 दिन में 1 मीटर घट रहे हैं, है ना। और 2000 दिन का अगर साल बनाए तो कितने बनेंगे, अंदाजा 6 साल समझ लो, है ना। 6 साल में 1 मीटर घटते हैं, है ना, 6 साल में 1 मीटर घट, बहुत ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, है ना। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन से ऊपर जो है कूद करके अपनी आत्महत्या करना चाहते थे कि जगन्नाथपुरी में वो थे चैतन्य महाप्रभु की संगति में, और चैतन्य महाप्रभु जब अपनी नित्य लीला में प्रवेश कर गए, तो वो आए थे गोवर्धन से जो है कूद करके अपनी आत्महत्या करने के लिए, है ना। तो उस समय गोवर्धन का जो शिखर था, सबसे ऊंचा शिखर था, तो वो करीब 88 फुट था, है ना। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी तो और कम हो गया, तो कम होता जा रहा है ना। तो गोवर्धन को श्राप क्यों मिला, वो तो मैंने बताया है, उसमें आप सुन सकते हो गोवर्धन श्राप, फिर भी बता दें, क्योंकि जितने बार सुने कथा ऐसी होती है कि इसमें नया नया रस मिलता है, तो इसलिए मैं फिर से बता देता हूँ कि प्रहस्त मुनि जो है पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए गए थे। तो गोवर्धन जी जो है, भगवान कृष्ण को जब पृथ्वी में आना है, तो गोलोक धाम से जो गोवर्धन जी, जो सत्श्रृंग पर्वत के नाम से जाने जाते हैं, तो वो जो है उन्होंने भी अवतार लिया पृथ्वी में। तो पृथ्वी में अवतार लिया, तो पर्वत अगर आएगा इस पृथ्वी में, तो पर्वत के पुत्र के रूप में आएगा, तो किसी पर्वत का पुत्र वो बनेगा। तो गोवर्धन जो है द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में जन्मे हैं सालमली द्वीप में। सालमली द्वीप 7 द्वीप हैं जो पृथ्वी के, सबसे छोटा और पहला द्वीप जम्बूद्वीप है, उसके चारों तरफ लक्षद्वीप, फिर उसके चारों तरफ सालमली द्वीप। तो सालमली द्वीप बहुत बड़ा है ना, जम्बूद्वीप से दोगुना लक्षद्वीप, उससे भी दोगुना सालमली द्वीप। तो सालमली द्वीप में द्रोण पर्वत, द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में गोवर्धन ने जन्म लिया। तो इनका जो आकार था वो था 8 योजन लंबा, 1 योजन में 12 किलोमीटर, कितना हुआ, 8 योजन कितने किलोमीटर हुआ, 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर लंबा था, और 5 योजन चौड़ा, तो कितना हुआ किलोमीटर, 60 किलोमीटर चौड़ा, और 2 योजन ऊंचा था, तो 2 योजन कितना किलोमीटर, 24 किलोमीटर ऊंचा था। तो छोटा सा पर्वत, 24 किलोमीटर, वो भी 24 किलोमीटर ऊंचा, छोटा सा पर्वत माना जाता है वो, इस जो द्रोण पर्वत है वो 10,000 योजन ऊंचा है, 10,000 योजन के किलोमीटर बनाएंगे तो कितना, 1,20,000 किलोमीटर ऊंचा है। तो ये छोटा सा पर्वत, तो प्रहस्त मुनि ने देखा कि अरे बड़ा सुंदर है ये, छोटा सा पर्वत बड़ा सुंदर है ना। तो जो है सोचने लगे कि भाई काशी में जो है मैं रहता हूँ, काशी में कोई पर्वत नहीं है, तो मैं जो है इस पर्वत को अगर ले जाऊँ काशी में, तो बड़ा अच्छा लगेगा, वहाँ तपस्या करना बड़ा अच्छा लगेगा। तो
द्रोण पर्व से कहते हैं कि भाई तुम महाराज जो पुत्र है ये मुझे दे दो, मैं काशी में ले जाऊंगा। तो वहाँ पर बड़ा अच्छा जो है, हवा बहुत अच्छी है, सुगंधी बहुत अच्छी है और फल फूल सब बहुत बढ़िया हैं, तो मैं वहाँ पर ले जाऊंगा। अब द्रोण पर्व जानते हैं कि भाई महामुनि हैं, अगर मना करो तो साप दे देंगे तो तो बड़ी जो है दुर्घटना हो जाएगी। तो उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, बोले महाराज वो उसी से पूछ लो, अगर वो जाना चाहे तो चला जाए, अपनी बचाव अपने बचाव के लिए सोचा कि उसी से पूछ लो, मेरे पुत्र से भी जाना चाहे चला जाए। तो द्रोण पर्व के पुत्र गोवर्धन से कहा कि भाई तुम चलो हमारे साथ, तुम्हारे पिता ने बोल दिया है। अब गोवर्धन भी सोच रहे हैं कि ये तो साथ देने वाले, अगर मैं मना करूँगा तो साथ देंगे, तो मना तो नहीं कर सकता। तो अपना बचाव किया, उन्होंने कहा कि आप, मैं इतना भारी हूँ, आप कैसे मुझे ले जाएंगे। तो पुलस्त मुनि कहते हैं तुम भारी हो, तुम हल्के हो जाओ ना मेरे लिए, तो मैं तुमको ले जाऊँ, हल्के हो जाओ। आप गोवर्धन मना तो कर नहीं सकते, ठीक है मैं हल्का हो जाता हूँ, लेकिन एक सर पर हल्का हो रहा हूँ, रास्ते में अगर मुझे कहीं आपने उतार दिया रख दिया तो फिर नहीं उठूँगा मैं। पुलस्त मुनि बोले ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, मैं नहीं रास्ते में नहीं रखूँगा, मैं सीधे यहाँ से काशी जाऊँगा, काशी में तुमको रखूँगा। अब जो है गोवर्धन उनके हाथ में आ गए, हल्के हो गए और वो चले जा रहे हैं। अब चले जा रहे हैं तो ब्रजमंडल से जब गुजर रहे थे पुलस्त मुनि, तो गोवर्धन सोचा कि मैं काशी में जाके क्या करूँगा, यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार होना है और वो मेरे ऊपर लीला कर रहे हैं, तो मैं जो है अब कुछ चाल चलूँगा कि ये मुझे रखें। तो अपना थोड़ा सा भार बढ़ा दिया, तो पुलस्त मुनि को जो है लघु शंका हुई, बोले अब, और वो भूल गए शर्त को, बोले अच्छा देखो गोवर्धन, मुझे लघु शंका लगी है, तुमको रख करके मैं लघु शंका से निवृत्त होकर के आऊँ, तब जो है तुमको उठाऊँगा। तो गोवर्धन चुप रहे, कुछ बोले नहीं, यही तो चाल होती है, क्योंकि तो ये नहीं तो बोलता आपको, तो मैंने पहले से ही बोल दिया था कि मैं नहीं उठूँगा, तो चुपचाप रहे, हाँ कुछ यही चाहते कि भूल जाएंगे, है ना। तो अब पुलिस मैंने भूले हुए थे, गोवर्धन रख दिया, और जब गए लघु शंका से निवृत्त होकर के स्नान स्नान करके आ गए, बोले आप उठ जाओ, बोले महाराज पहले से बता दिया था मैंने कि आप जहाँ रखोगे फिर नहीं उठूँगा मैं। पुलस्त मुनि बोले तुम्हें चाल चली मेरे साथ में, है तो पहले नहीं याद दिलाया है ना, और तुम जो है मतलब जाना नहीं चाहते हो काशी, तो तुम्हें साथ देता हूँ, है साथ देता हूँ कि तुम एक तिल रोज घटते रहो। तो आप सोचिए कि एक तिल रोज घट रहे थे गोवर्धन, है ना, तो जिस समय मतलब पुलस्त मुनि ने रखा था इनको, तब से कितने साल हो गए, तब से कितने साल हो गए कि अभी गोवर्धन की हाइट जो है 80 फुट है। अगर 24 किलोमीटर मानते हो ना, 24 किलोमीटर तो 24,000 मीटर हुआ ना, 24,000 मीटर है ना, और 6 साल में 1 मीटर घट रहा है, तो 24,000 मीटर में कितना हुआ, 6×24 उतना 1,000 साल, ठीक है ना, 6×24 कितना हुआ, 144, तो 144,000 साल, तो 144,000 साल पहले गोवर्धन आए थे, है ना। मतलब उसमें थोड़ा कम कर दो, क्योंकि अभी 80 फुट है, तो 80 फुट का कितना साल होता है वो आप देख सकते हैं, 6 मीटर अगर मान लो 80 फुट का कितना होगा, 6 मीटर होगा, 20 मीटर नहीं, जो भी हो, तो मतलब फिर भी 144,000 साल करीब करीब इतने साल पहले गोवर्धन आए थे और अब भी घटते जा रहे हैं। और गर्ग संहिता में बताया गया कि गोवर्धन जो है कलियुग के 5,000 साल तक रहेंगे, कलियुग के 5,000 साल तक, तो 5,000 साल बीत गए, है ना, तो गोवर्धन जो है घटते जा रहे हैं, और सोचो आप कितने समय में वो नहीं रहेंगे, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर 80 फुट है ये, है ना, और 1 मीटर 6 साल में 1 मीटर घटते हैं, तो कितने साल में फिर ये भूमिगत हो जाएंगे, भूमि में इनका पूरा डूब जाएंगे, है ना, और जितने डूबते जा रहे हैं वहाँ गोलोकधाम में वो प्रकट होते जा रहे हैं। फिर तो भगवान कृष्ण चले गए तो गोवर्धन भी जा रहे हैं, तो इनका तो जाना उसी समय शुरू हो गया था जिस समय पुलस्त मुनि इनको रखा था, है ना। तो भगवान कृष्ण जब समय थे तो समय
कितनी हाइट थी 5,000 साल पहले, तो 1 मीटर ज़्यादा थे, 6,000 साल मतलब 5,000 साल, 1 मीटर करीब इस समय जितनी हाइट है 1 मीटर ज़्यादा थे, है ना। तो 1 मीटर ज़्यादा थे तो भी गोवर्धन का आकार उस समय और बड़ा था, काफ़ी बड़ा रहा। अगर शिखर 1 मीटर ऊंचा हो जाए तो गोवर्धन का जो है विस्तार जमीन में कहो बहुत बड़ा, इस समय से बहुत बड़ा विस्तार। जब भगवान ने धारण किया था तो उस समय गोवर्धन का जो है जो आकार था उसके नीचे जो है सब ब्रजवासी आए। तो नीचे गोवर्धन के नीचे जब सब ब्रजवासी आ गए, है ना, तो उस समय कोई सोचे कि भाई अगर वर्षा हो रही है तो फिर तो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा रहा होगा और बड़ी असुविधा रही होगी, 7 दिन ब्रजवासियों को बड़ी असुविधा हुई होगी ना। तो हमारे आचार्यों ने बताया, गोपाल चंपू में भी मतलब वर्णन आता है कि गोवर्धन के नीचे, है ना, बहुत सी जो है बड़े सुंदर सुंदर कंदराएँ थी जिनमें कि मणि और रत्नों का प्रकाश हो रहा था, और उस मणि रत्नों के प्रकाश में जो ब्रजवासी लोग हैं बहुत सुखी थे और कृष्ण का दर्शन भी कर रहे थे, ना उनको भूख प्यास का कोई बाधा हुई, और कृष्ण का जो है सब लोग दर्शन कर रहे हैं एक साथ, और कृष्ण के साथ और निकट आए। तो गोवर्धन लीला जो है जो जो 7 दिन जो वर्षा हुई थी इंद्र के द्वारा, तो वो जो है गोवर्धन का जो है मतलब सबसे ज़्यादा सुख ब्रजवासियों को प्राप्त हुआ, बिना खाए बिना पिए वो जो है रहे और कृष्ण का दर्शन करें। तो कृष्ण का दर्शन एक अमृत के समान, कृष्ण अपनी दृष्टि से तो जो है मरे को जिंदा कर देते हैं। जैसे कि जब कालिया सर्प का जब दमन किया था, है ना, तो कालिया सर्प के विष से यमुना का जो हृदय था वो पूरा विषैला हो गया था, और जितने बछड़े और बालक थे उन्होंने पानी पिया वहाँ तो तुरंत मर गए, इतना मतलब तेज विष था कि पानी पीते ही मर गए, और कृष्ण ने अपनी दृष्टि से जिंदा कर दिया। तो कृष्ण की दृष्टि ऐसी, कृष्ण ने अपनी दृष्टि से जिंदा कर दिया मरे बछड़े और बालकों को। इसी पर अघासुर के पेट में भी जब बछड़े बालक चले गए थे, हाँ, तो उसके पेट में इतनी भयानक जो है मतलब जठर अग्नि थी कि उसमें सब मर गए। लेकिन कृष्ण जब उसमें प्रवेश करते हैं तो अघासुर को वध करते हैं, अघासुर को मारते हैं अपने शरीर को बड़ा करके, अघासुर मर गया और बछड़े बालक जो मरे थे उनको अपनी दृष्टि से जिंदा कर दिया। कृष्ण की दृष्टि इतनी शक्तिशाली है कि मरे को जिंदा कर दी। तो 7 दिन तक अगर कृष्ण का दर्शन करते रहे ब्रजवासी, उनको भूख प्यास की कोई बाधा नहीं हुई, तो इसमें क्या आश्चर्य, कृष्ण के दर्शन में इतनी शक्ति। तो 7 दिन जो है उन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया, और गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो वर्षा हो रही थी तो इतनी तेज वर्षा हो रही थी, है? तो अभी एक प्रश्न उठेगा कि इतनी तेज वर्षा हुई तो गर्त में भी पानी आएगा कि नहीं, मतलब पहाड़ उठा लिया तो ऊपर से तो मतलब वर्षा से रक्षा हो रही, लेकिन वो गर्त में जो पानी आए उसमें भी तो सब डूब जाएंगे, हैं? तो भगवान ने क्या किया था कि उस वर्षा को सुखाने के लिए चक्र को आज्ञा दे दी। तो हजारों सूर्य के समान चक्र था जो कि ऊपर से ही वर्षा को सुखा रहा था तो पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा था, हजारों सूर्य के समान उसमें तेज था, ऊपर से ही वर्षा को सुखा रहा था, तो कोई बाधा नहीं कि ऊपर से पानी बरस रहा। इसलिए गोवर्धन के पास एक चक्र तीर्थ है, तो चक्र तीर्थ वहाँ उस स्थान से जो है चक्र जो है पूरी वर्षा को सुखा रहा था। नहीं तो क्या होता, यमुना जी में कितनी बाढ़ आ जाती है, उसमें बाढ़ में सब डूब जाते और गर्त के अंदर तो और पानी आएगा, है ना, है? बल्कि जब गर्त में पानी आ रहा था तो सबसे पहले तो भगवान ने शेष जी को आज्ञा दी कि पानी की एक बूंद नहीं आना चाहिए गर्त के अंदर, है ना। तो शेष जी ने दीवार बना दी चारों तरफ से कुंडली के आकार में, और क्या वाटर प्रूफ दीवार शेष जी जो इतना बड़ा शरीर और अगर वो घेर लें तो कहाँ एक बूंद पानी आएगी, एक बूंद पानी नहीं आ रहा था। और अंधेरों को दूर करने के लिए गोवर्धन के ही जो है वो बड़ी बड़ी जो है खाने जिसमें कि जो है रत्न है और जो है मणि है जिनसे प्रकाश हो रहा था, कितना प्रकाश पैदा हो रहा है।
इस प्रकार से जो है ये लीला हुई। तो अभी हमारे पास समय कम है ना, अभी हमें चलना है ना, क्यों नहीं भाई? तो अभी 2 मिनट में समाप्त कर देते हैं। तो ठीक है, ये जो है मतलब गोवर्धन की बहुत मतलब लीलाएं हैं। तो अभी आप लोगों की ओर से कोई चर्चा हो, कोई प्रश्न हो 2 मिनट के लिए, तो आप लोग अपनी ओर से कुछ बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं, या मैं प्रश्न करूँ, मैं प्रश्न करूँ, कोई किसी के प्रश्न हो आज के रिगार्डिंग, या कोई भी आपने वृंदावन में कुछ भी देखा हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं प्रोजी को। और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, प्रोजी यहाँ पे है ऑथेंटिक तरीके से आंसर देने के लिए। तो कोई भी जिज्ञासा हो आपको पूछ सकते हैं, इन जनरल ऑल्सो भक्ति से रिलेटेड कुछ हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। इंद्र ने जो वर्षा की थी तो सामान्य वर्षा नहीं थी वो, इंद्र ने जो वर्षा की थी कि तुरंत ही ब्रज को डुबा दो। इंद्र तो वर्षा के देवता हैं, तो वर्षा बंद भी करा सकते थे, और वर्षा बंद कराएंगे तो ब्रजवासियों को मरने में बहुत समय लग जाएगा, और उनको तुरंत ही नष्ट करना है ब्रजवासियों को। तो ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी जो कृष्ण इंद्र की पूजा नहीं करते हैं तो वो सुरक्षित हैं, इंद्र की पूजा करते थे, अब बंद कर दी तो वो उनको जो है मारना है, उनको नष्ट करना है। तो जल्दी नष्ट करने के लिए सामान्य वर्षा नहीं थी, सामान्य में भी नहीं इतना पानी बरसा सकते, वो सामर्थ्य मेघों को आज्ञा दी थी, जो प्रलय काल के मेघ होते हैं उनको। तो वो मेघों की वर्षा कैसी थी इसका वर्णन है, लेकिन कौन बता सकता है कैसी वर्षा थी, कैसी धारा थी, कैसी बूंद थी? जी बताइए। सूंड के बराबर जो हाथी की सूंड, हाथी की सूंड जैसी धारा, वो सामर्थ्य मेघ थे, उनकी वर्षा ऐसी नहीं होती है कि भाई वैसे पतली धार गिरे, हाथी की सूंड जैसी धारा थी। और जो बूंदें भी थी वो बूंदें कैसी थी? हाथी के बराबर बूंदें, कि तुरंत ब्रजवासियों को पूरा नष्ट कर दो, पूरा नष्ट कर दो, मतलब इनका नाम निशान ही ना रहे। इंद्र ने जो ये कार्य किया था है ना, इसी के लिए भगवान ने इमरजेंसी में शेष जी को कहा तुरंत दीवार बनाओ। अब बरसात में कहाँ दीवार बनेगी, कोई बना सकता दीवार? आज की कोई टेक्नोलॉजी दीवार बनाए बरसात बाढ़ को रोकने के लिए? कोई दीवार बनाए, तुरंत दीवार बनाओ, और शेष तुरंत दीवार बना दी, एक बूंद पानी नहीं, वाटर प्रूफ दीवार है? और वर्षा को ऊपर से भी जो वर्षा आ रही है उसको भी सुखाने के लिए भगवान ने क्या किया, इसको चक्र उगा गए ना। ये भगवान का जो है मतलब, भगवान पर हजारों पाए, अगर भगवान चाहते तो मेघों को उड़ा सकते थे, इतने से मेघ उड़ जाते, हवा के द्वारा मेघ उड़ सकते हैं भगवान के लिए। भगवान कहते हैं इंद्र को कि तुम अपनी पूरी शक्ति लगा लो, मेरे पास और भी उपाय। वर्षा को बंद करने के भगवान इतना करते, बस इसमें सांप जो है मतलब मेघ उड़ गए हो पता नहीं चलता। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब वर्षा जो है मैं इंद्र ने जब पता लगाया कि ये ब्रजवासी बड़े सुखी हैं, तो उसको बड़ा दुख हो रहा है कि मेरा प्रयास जो है इतना व्यर्थ हो रहा है, ये ब्रजवासी सुखी हैं और गोवर्धन के कारण जो है इनकी रक्षा हो रही है, तो गोवर्धन पर्वत को जो है चूर्ण करने के लिए वज्र चला है उसके पास, जो वज्र है वो पर्वत को चूर्ण कर दे, पाउडर बना दे। तो गोवर्धन को पाउडर बनाने के लिए वज्र चलाया, तब भगवान ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, उसके हाथ को स्तंभित कर दिया, ये चला अब उसके हाथ में वज्र तो है, ये अब क्या कर सकता है, चला नहीं सकता है ना। तब इंद्र जो है मतलब बहुत भयभीत हो गया, और मेघ भी जो है सब भागे बड़ी तेजी से, इंद्र भागे और मेघ भी भागे, सब बड़ी तेजी से भागे, जैसे शेर के आक्रमण से सब हाथी भागे हैं, तो बड़े बड़े हाथी जैसे मेघ थे, सब भाग रहे हैं, सब हाथी की तरह भाग रहे हैं। तो फिर जब वर्षा बंद हुई तो भगवान बाहर आए। धन्यवाद। श्री गोवर्धन लीला महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।